गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम 16th अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023. इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कितना रैंक है? ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 111 एंड ऑप्शन डी है 97. सो ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 111 एंड ऑप्शन डी है 97. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इंडिया का इसमें रैंक है 111 यानी कि 111 आउट ऑफ 125 यानी कि टोटल 125 देशों की रैंकिंग हुई है 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसमें से इंडिया का रैंक है 111. जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये मिलकर जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है आयरलैंड से, और जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड की एनजीओ है, और जो वर्ल्ड हंगर लाइफ है ये जर्मनी की एनजीओ है. तो ये दोनों मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करती है. इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेस पर रैंकिंग होती है? एक तो है अंडर नरिशमेंट. अंडर नरिशमेंट की जो रैंकिंग होती है कैलोरिक इंटेक के बेस पर होती है. देन है चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग होती है कि सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि इसमें अंडर 5 एज के बच्चों को जो कंसीडर किया जाता है चाइल्ड स्टंटिंग में, और ये होती है कि आपका जो एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है. दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, ये वेट के बेसिस पर होता है. यहाँ पर भी अंडर 5 एज के बच्चे कंसीडर किए जाते हैं. वेस्टिंग में होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है. और चौथा इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टैलिटी, ये भी अंडर 5 एज के बच्चों की देखी जाती है. जो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, ये काफी डिटेल में हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा. इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 111. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2028 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन. 2028 की समर ओलंपिक्स कहां पर होने वाली है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लॉस एंजलस, ऑप्शन सी है बीजिंग एंड ऑप्शन डी है सिडनी. सो ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका यहाँ पर आप सोर्स देख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में एक रिपोर्ट थी कि जो क्रिकेट है ये 128 साल के बाद दोबारा से ओलंपिक्स में जो है ऐड की गई है. इससे पहले 1900 में पेरिस की ओलंपिक्स हुई थी, वहां पर जो थी क्रिकेट खेली गई थी. एंड इट इज वन ऑफ द न्यू स्पोर्ट्स जो कि 2028 के लॉस एंजलस ओलंपिक्स में ऐड की जाएगी. सो इसका मतलब है कि 2028 की जो समर ओलंपिक्स है कहाँ पर हो रही है? एलए में, लॉस एंजलस में, जो कि यूएसए में है. ये जो डिसीजन है रिसेंटली जो आईओसी ESPN क्रिक इन्फो इन्होंने रिकमेंड किया था, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है. फॉर्मल जो अनाउंसमेंट है ये भी जल्दी ही हो जाएगी. तो ऑप्शन बी, दैट इज लॉस एंजलस LA इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इको मार्क स्कीम हैज बीन नोटिफाइड बाय. इको मार्क स्कीम जो है किसके द्वारा नोटिफाई की गई है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली दो ग्रीन इनिशिएटिव्स जो है नोटिफाई किए हैं, उसमें से एक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और दूसरा है इको मार्क स्कीम. ये जो किस एक्ट के अंडर नोटिफाई हुए हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, और जो इंडिया का रिसेंटली इनिशिएटिव है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन, उसके आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती है. एम क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना. जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसका एम क्या है? एनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शंस जो है, अगर कोई एनवायरमेंटल की तरफ पॉजिटिव एक्शन लेता है उसको इंसेंटिवाइज करना, इंसेंटिव देना अलग अलग सेक्टर में, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स ले सकते हैं. कोई कम्युनिटी हो गई, कोई मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हो गया, और ग्रीन क्रेडिट उसके बेस जनरेट होंगे जो कि ट्रेडेबल होंगे. ये ग्रीन क्रेडिट ट्रेड हो सकेंगे. देन है इको मार्क स्कीम. इसने पहले जो 1991 की नोटिफिकेशन थी उसको रिप्लेस किया है, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो भी हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको लेबल किया जाएगा.
जो स्पेसिफिक एनवायरमेंट क्राइटेरिया को मीट करेंगे, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेंगे, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाएगा इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिमेरिक और किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको इन शॉर्ट CAR बोला जाता है, टी सेल थेरेपी हैज बीन अप्रूव्ड टू ट्रीट विच डिजीज। आपके साइंस एंड टेक में हेल्थ जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में डिजीजेस एक सब टॉपिक है। तो जो CAR टी सेल थेरेपी है, किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव की गई है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, ऑप्शन सी है ब्लड कैंसर एंड ऑप्शन डी है कोविड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की पहली कैमेरिक या चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को अप्रूव किया है। किसके लिए? ब्लड सेल को ट्रीट करने के लिए। ये जो थेरेपी है इसका नाम NEX-CAR19 भी है। ये फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड CD19 टारगेटेड CAR टी सेल थेरेपी होगी। इस थेरेपी का इंटेंशन क्या है? जो पेशेंट्स है जिनके CD9 बायोमार्कर है बी सेल में, जो कि एक प्रोटीन है जो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अक्यूट एंड क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो गया, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी बोला जाता है। ये किसने डेवलप की है? इम्यूनो अडॉप्टिव सेल थेरेपी ACT, जो कि एक IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी है। टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स एक इम्यून सेल्स होते हैं जो पैथोजन्स इन्फेक्शन करते हैं, कोई वायरस है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई फंगस है, चाहे कोई पैरासाइट है, उनको ये अटैक करती है। और जो भी हार्मफुल सेल्स हैं, हमारी बॉडी में यूजफुल सेल्स भी होते हैं, हार्मफुल सेल्स भी होते हैं, जो हार्मफुल सेल्स हैं जैसे कि कैंसर सेल्स, उनको ये अटैक करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है FSSAI एंड ऑप्शन डी है WMO। यहां पर आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल एस्टिमेशन है किसका, डिजास्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पर। तो पहली बार ग्लोबल लेवल पर एस्टिमेट किया गया है डिजास्टर का इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर। इस रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है, कोई पेंडेमिक आता है, एपिडेमिक्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, कोई आर्म्ड कंफ्लिक्ट्स होते हैं, उसका भी एग्रीकल्चरल की प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये जो रिपोर्ट है ये FAO ने रिलीज की है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विजिंजम पोर्ट इज सिचुएटेड इन। विजिंजम पोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विजिंजम पोर्ट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो शिप है वो पहुंची है रिसेंटली। ये देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल है, जो कि केरला में थिरुवनंतपुरम के पास में है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड बना था, जो कि बन रहा है, जो कि 2024 में कंप्लीट होगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में मेजर पोर्ट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इंडिया में कितने हैं वो आपको कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइक मिशन हैज बीन सेंट टू स्पेस बाय। साइक मिशन को स्पेस में किसके द्वारा भेजा गया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ऑप्शन डी है CSA, ये कैनेडा की स्पेस एजेंसी है। यहां पर आप देख सकते हैं साइक मिशन जो है ये नासा का मिशन है। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट जो है साइक नाम का वो 6 साल के लिए भेजा है। किसके रिगार्डिंग? एक बहुत ही यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉयड है जिसका नाम है साइक, जो कि सूरज को या सूर्य को ऑर्बिट कर रहा है मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में।
तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड छोटे छोटे पत्थर के रॉकी बॉडी होती है, पत्थरों के बने होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं। बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट है इनके ऑर्बिट्स के बीच में देखे गए हैं, और जो कुछ जो है उनके ज्यादा सेंट्रिक ऑर्बिट्स भी देखे गए हैं, लेकिन कॉमनली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में देखे गए हैं। डेफिनेशन में भी आपको हमेशा मार्स और जुपिटर का नाम ही मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ नीलगिरी तहर इज, नीलगिरी तहर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए है वल्नरेबल, ऑप्शन बी है एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंड ऑप्शन डी है नियर थ्रेटेंड। यहां पर आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, नीलगिरी तहर का जो ओरिजिनल हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं उसको रिस्टोर करना, जितने भी ये खतरे फेस करते हैं उसको एड्रेस करना और पब्लिक अवेयरनेस रेज करनी नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी तहर अकेला माउंटेन अनग्यूलेट जो एक एनिमल है सदरन इंडिया में, अनग्यूलेट एनिमल होता है जिसके हूव्स होते हैं, जैसे घोड़े के होते हैं हूव्स वैसे ही इनके भी हूव्स होते हैं, अकेला ऐसा माउंटेन एनिमल है जिसके हूव्स होते हैं। और नीलगिरी तहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ये वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, एंडेमिक होता है उसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होना, और इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंवर लेक इज सिचुएटेड इन, कंवर लेक कहां पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहां पर आप देख सकते हैं कंवर लेक जो है इसके क्यों न्यूज में थी, क्योंकि ये जो है ड्राई होने का खतरा फेस कर रही है, सूख रही है। कंवर लेक एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है जो कि गंडक, बिया और करेह नदी के कन्फ्लुएंस यानी कि संगम से वहां से पानी आता है इस लेक में, इस झील में। 2020 में इसको एज अ रामसर वेटलैंड साइट भी डिजिग्नेट किया गया था। कंवर लेक जो है इसको कबरताल वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां पर है? बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डंपा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, डंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, एंड ऑप्शन डी है असम। यहां पर आप देख सकते हैं डंपा टाइगर रिजर्व जो है क्यों न्यूज में था। सबसे पहले तो एक फ्रॉग की, टॉड की नई स्पीशीज देखी गई है डंपा टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम है ब्यूफोइड्स गुपथी, ये डंपा टाइगर रिजर्व में मिली है। इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो मिजोरम के लुशाई पहाड़ियां हैं वहां पर है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेकर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो वेजिटेशन है बहुत कॉमनली आपसे पूछी जाती है, अगर फौना देखें, फौना होता है एनिमल्स बर्ड्स जो वहां पर मिलते हैं, तो कौन कौन से मेनली यहाँ पर मिलते हैं? हुलॉक गिबन, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन कैट, हिमालयन ब्लैक बियर एटसेट्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिजोरम। सो ये हमारे जो है सोशल मीडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक चीज और, मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि जो हम ये चीजें पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने डिटेल देखी, यहाँ पर आपने डिटेल देखी, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है यस, ये इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है, आजकल कोई भी एग्जाम आप ले लो, चाहे वो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इवन ग्रुप डी है, न्यूज आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, बहुत कम चांसेस होते हैं, उसके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको वो पूछी जाती है। तो जो भी न्यूज में चीज होती है उसके आसपास की बेसिक चीजें जो हमें लगती है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो ही आपको कवर करवाई जाती है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान से याद करनी है, पढ़नी है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।